प्रिया एंड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नी 2023 जो फाइव मिनट रिविजन सीरीज में आ रहा है दैट इज़ द किंगडम फंजाई सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है सो so ये टॉपिक तो छोड़ना ही मत ये पढ़ के ही जाना सो नाउ स्टार्टिड द फंजाई कंस्ट्रेंट द यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तो फंजाई जो होता है इसमें सारे हेट्रोट्रॉपिक वाले ऑर्गेनिज्म हैं सबसे क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें सारे हेट्रोट्रॉपिक वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे They शो a ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट तो उनका डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में है यू मस्ट हैव सीन द फनजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉट इन फ्रूट्स आपने फनजाई में को देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड्स में फंगस लग जाता है रॉट एंड फ्रूट्स में द कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फन जो हम मशरूम्स खा रहे हैं वो भी एक फंगस ही है और एक टोड स्टूल्स ये सारे फंगाई ही है सो व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस जो व्हाइट स्पॉट्स आपको मस्टर्ड लीव में दिखता है वो भी पैरासाइटिक फंगस के वजह से ही दिखता है ठीक है सम यूनिसेलुलर फनजाई जैसे कि यूस्ट ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंगस है ये इंपॉर्टेंट है यूनिसेलुलर फंगज द ईस्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है ठीक है विच आर यूज टू मेक द ब्रेड एंड बियर सो ईस्ट को यूज़ किया जाता है एज अ ब्रेड और बियर बनाने के लिए इसीलिए इसको आ, ब्रिवर्स ईस्ट भी कहा जाता है और बेकर ईस्ट भी कहा जाता है ठीक है सो अदर फंगाई काउ डिजीज और अदर फंगस जो है वो डिजीज काउस करते हैं जैसे प्लांट्स में हो गए एनिमल्स में हो गए वीट रस्टिंग काउज वीट रस्टिंग वी ट्रस्ट काउजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो वी ट्रस्ट करने वाला कौन है पक्सीनिया तो so, आपको मैचिंग में ऐसा आ सकता है वी ट्रस्ट कौन करेगा तो पक्सीनिया ठीक है तो so, ये वर्ड यहाँ से मतलब ये चीज़ याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है और बनेगा भी सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंटी और कुछ फंग फंगाई जो होते हैं दे आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के सोर्स है फॉर एग्जाम्पल पेनीसीियम तो पेनीसीयम इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ठीक है तो जो फंगाई है इसका सब कुछ क्या क्या डाइवर्सिटी है बोल सकते हैं मतलब ये एडिबल भी है खाने लायक है लाइक मशरूम्स हो गया टोट स्टूल्स हो गया प्लस ये पैरासाइटिक होता है मतलब ये तुम्हारा डिजीज़ करता है प्लांट्स में एनिमल्स में जैसे ईस्ट एक एग्जांपल दे दिया वो तुम्हारा यूजफुल है ब्रेड्स एंड बियर बनाने के लिए प्लस तुम्हारा पक्सीनिया के बारे में वीट रस्ट काउस करने वाला पक्सीनिया जो है ये एग्जांपल है पेनिसिलियम के बारे में है दैट इज़ द क्या सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स तो फंगा या द कॉस्मोपोलिटन्स कॉस्मोपोलिटन वर्ड का मतलब होता है विच इज फाउंड एवरीवेयर जो हर जगह मिल जाएगा दैट दे अकर्स इन द एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स तो एयर में मिलेगा वाटर सॉइल हो गया एनिमल्स हो गया प्लांट्स ठीक है दे प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेज वो मोस्टली वार्म और ह्यूमिड प्लेसेज में ग्रो करना प्रेफर करते हैं ठीक है हैव यू वाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर क्या आपने कभी सोचा है कि आपने फ्रिज में क्यों रखते हो फूड तो यस उसको सेव करने के लिए क्योंकि बाहर रहेगा तो उसमें फंगस लग सकता है तो यस इट इज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल ऑफ फंगल इन्फेक्शन सो विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर बस ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है बाकी सारे फंगस जो होते हैं सो फंगा या द फिलामेंटस फ बाकी के फंगाई कैसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं उनके बॉडीज़ में तुम्हारा आ, फिलामेंटस होता है उनका बॉडी ठीक है सो बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी तो लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हाइफी बोलते हैं एंड देयर नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम और जो सारे हाइफी का जो नेटवर्क है ना उससे हम माइसीलियम जैसे एक एक थ्रेड को हम बोल के आ रहे हैं हाइफी और इसका नेटवर्क जैसे कि आप देख सकते हो कि एक एक थ्रेड को हम क्या बोल रहे हैं हाई और उसके नेटवर्क्स को हम क्या बोलेंगे तो माइसीलियम बोलेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट नेटवर्क ऑफ हाई इज़ नोन एज माइसीलियम एंड सम हाइफी आर और कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्टेड साइटोप्लाजम कुछ हाइफी वाले जो होते हैं ना मीन्स ये जो हाई है वो कैसे होते हैं कुछ हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी उनमें मल्टी न्यूक्टेड साइटोप्लाजम होता है ये जो हाइफी है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वैसे मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाजम प्रेजेंट होता है एंड दीज आर कॉल्ड एज अ सिनोसिटिक हाईफी तो हाइफी का एक फीचर बताया रहा है कि अगर हाइफी में अगर हाइफी इज़ लाइक अ कंटिन्यूस ट्यूब जिस विच इज़ फिल्ड विद अ मल्टी न्यूक्टेड साइटोप्लाजम दैट इज कॉल्ड एज अ सिनोसिटिक हाईफी तो ये ये डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है या फिर ऑप्शन में मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी बन सकता है क्वेश्चन लाइक दैट कि सिनोसिटिक हाइफी क्या है दैट हाईफी इज अ ट्यूब लाइक होगा दैट कंटिन्यूस एंड विच इज़ फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्टेड साइटोप्लाजम ठीक है एंड अदर हैव अ सेप्टेट एंड क्रॉस वोल्स और जो हाईफी होते हैं उनमें सेप्टेट प्रेजेंट होता है सेप्टेट का सेप्टा यहाँ पर सेप्टे लिखा हुआ है दैट मीन्स वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और क्रॉस वोल्स इन देर हाईफी तो वॉल्स क्रॉस वोल्स प्रेजेंट होगा ये देखो ये इसमें अगर क्रॉस वॉल सेफ्टी प्रेजेंट है और कुछ जो कंटिन्यूस वाले ये है सिनोसिटिक जिसमें कंटिन्यूस है कोई वॉल वॉल प्रेजेंट नहीं है इसमें मल्टी न्यूक्टेड साइटोप्लाजम है सो द सेल वॉल आर द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलिसेक्राइट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेल वॉल होता है फंगस का वो काइटिन और पॉलिसेक्राइट्स का बना जा बना होता है सेल वॉल अगर आप प्लांट्स का पूछा जाए तो सेलोलोज हो गया और बैक्टीरिया का पूछा जाए तो बैक्टीरिया का सेल आई थिंक एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं आ रहा अभी बैक्टीरिया uh, का सेल वॉल पेप्टीडोग्लाइकिन हाँ तो so, पेप्टीडोग्लाइकिन उसके वॉल्स को बना होता है ठीक है सो द मोस्ट मोस्ट फंगाई आर द हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हंस दे आर सेप्रोफाइट्स सो फंगस जो होते हैं वो हैडोट्रॉप्स हैं ठीक है तो so, वो अपना फूड कैसे ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्व करते हैं वो ऑर्गैनिक सॉल्युबल ऑर्गैनिक मैटर को एब्जॉर्व करते हैं डेड सब्सट्रेट से मतलब डेड डिकिंग से अपना फूड ले रहे हैं सो दे आर द सेप्रोफाइट्स दोज दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स तो जो जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रह रहे हैं तो उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं दे कैन ऑल्सो लीव एज अम्बॉइंट्स तो सिम्बॉइंट्स के फॉर्म में भी रहते हैं लाइक इन एसोसिएशन विद एलगर दैट इज लाइकेंस तो लाइकन आप पढ़े हो तो उसमें एक लाइकेन में आपको फाइकोबायों एंड माइक्रोबायंस वर्ड देखा होगा तो फाइकोबाइंस एक फंगस होता है और एक आपका एलगिर रहता है तो उसमें तुम्हारा ये सिम्बाइंड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक माइक्राइज़ा और हायर प्लांट्स जैसे कि तुम्हारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं सिम्बाइंट्स के फॉर्म में लाइक इन माइक्रोराइज़ा So, ये सारा हमने ओवरव्यू देख लिया किसका फंगस का अब नाउ द फंगस का रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स लाइक फ्रैगमेंटेशन हो गया फिजन हो गया बर्डिंग हो गया रिप्रोडक्शन जो है फंगस में वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू हो सकता है लाइक फ्रेगमेंटेशन फीजन एंड द बर्डिंग ए सेक्शुअल प्रोडक्शन इज बाई स्पोर्ट्स और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्ट्स है लाइक like कोनेडिया हो गया एंड स्पोरेंजो स्पोर्ट्स और जू स्पोर्ट्स एंड सेक्शुअल प्रोडक्शन इज बाई दू स्पोर्ट्स एस्को स्पोर्ट्स एंड बेसिडियो स्पोर्ट्स तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शुअल uh, सेक्शुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो कोनेडिया है एंड जू स्पर्स है और सेक्शुअल प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंग स्ट्रक्चर्स कॉल फ्रूटिंग बॉडीज और सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं अलग अलग डिस्टिंग स्ट्रक्चर में बनते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज जहां पे बनता है स्पोर्ट्स उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोल रहे हैं द सेक्ल साइकिल द थ्री स्टेप्स सेक्शुअल में तीन स्टेप्स होता है सबसे पहला द फ्यूजन ऑफ द प्रोटे प्रोटोप्लाजम बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स और प्लाज्मा सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स मतलब गैमेट्स वो मोटाइल भी हो सकते हैं और उन नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं पहले तो उनका फ्यूजन होगा मतलब उनका पहले क्या मिलेगा प्रोटोप्लाज्म मिलेगा एंड देन द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया और उनके बाद उनका जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होगा तो पहले तो पूरा साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा एंड देन उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा म्योस इन जयगुड रिजल्ट और उसके बाद म्योसिस होगा जिसकी वजह से स्पोर्स बन जाएंगे तो ये तीन स्टेप में दिया हुआ है वैन द फंगस रिपोर्ड्यूज सेक्शुअली जब फंगस सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता तो है टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटेबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज तो देखो जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए तुम्हारा क्या है कि दो हेप्लड हाइफी जो हैप्लॅड हाइफी होंगे जब क्योंकि हेप्लड ही चाहिए हाइफी तो जो हैप्रेड हाइफी होंगे एक दूसरे का कॉम्पर्टेबल वाले वो एक दूसरे से मैटिंग करेंगे ठीक है और मैट एक साथ आ करके द फ्यूज़ कर जाएंगे इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हेपलॉयड सेल्स इमिडियटली रिजल्ट सेल कुछ कुछ फंगस में ऐसा होता है कि दो हेपलॉयड सेल्स मिल करके एक डिप्लॉयड सेल तुरंत बना लेते हैं एंड हाउ एवर इन अदर फंगाई एसकोमाइसिटिस एंड बेसीडियोसिटीज़ एंड इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक फेज दैट इज एन प्लस एन देखो अब यहाँ पे क्या है कि दो हाइफी मिला ठीक है एक एन वाला एन वाला तो दोनों मिलकर तुरंत टू एन बना लेगा एक ऐसा केस हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे हाइफी होते हैं मतलब कुछ ऐसा

कि, किस में प्रेजेंट होगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसीडियोमाइसिटिस तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है मतलब कि एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडियोमाइसिटिस में डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होगा द फंगस फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज इन विचो रिडक्शन डिवीजन अगर्स फंगस जो है फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा दैट लीड्स टू द हेपलॉड स्पोर्स जिसकी वजह से हेपलॉइड स्पोर्स बनेंगे सेक्शुअल हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर सो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ सो स्पोर फॉर्मेशन क्या उनका मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम का मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में किंगडम फंगस को डिवाइड किया गया वेरियस क्लासेस में तो सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज तो स्टार्ट करते हैं द फाइकोमाइसिटीज़ द मैमस ऑफ आइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन द एक्टिक हैबिट्स जो मैंबर्स ऑफ एकोमाइसिटीज़ के वो एक्वाटिक हैबिटेट्स में होंगे ऑन द डिकिंग वुड्स इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज और एज अ ऑब्लीगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लान्स तो वो तुम्हारे डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन वाले प्लेस एक्वाटिक हैबिटेट्स है प्लस ऑब्लीगेट पैरासाइट्स प्लान्स के ऊपर पैरसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऑब्लीगेट है मतलब वहीं पर प्रजेंट होगा मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकता मतलब उसके प्लांट्स के ऊपर ही वो ग्रो कर सकता है फिर उसके बाद है द माइसीलियम इज ए सेप्ट ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक तो माइसीलियम इसका वही कंटिन्यूस वाला होता है ए सेप्टेट मतलब वहाँ पे कोई वॉल्स नहीं होगा ये मतलब वॉल्स जो यहाँ दिख रहा है वो वॉल्स नहीं होगा एंड प्लस तुम्हारे क्या होंगे सिनोसाइटिक होंगे सिनोसाइटिक हमने ऑलरेडी देखा सिनोसाइटिक में क्या था कि कंटिन्यूस था और उसमें मल्टीन्यूकिलेटेड साइटोप्लाजम प्रेजेंट था तो वैसा इनका माइसीलियम हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज का एंड ए सेक्शुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस स्पोर्ट्स ए सेक्शुअल प्रोडक्शन जूस स्पोर्ट्स से होगा दैट इज मोटाइल और एप्लानो स्पोर्स दट इज नॉन मोटाइल तो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में जूस स्पोर्स है तो जूस स्पोर्स कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं और एप्लानो स्पोर्ट्स से हो सकता है तो अपलानो स्पोर्स कैसे होते है नॉन मोटाइल होते हैं दीज स्पोर्ट्स आर एंडसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम ये स्पोर्ट्स तुम्हारे एंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड होते स्पोरेंजियम के अंदर अजैगो स्पोर्ट्स इज फॉर्मड बाई द

और अजाइगोस्पोर कब बनता है जब तो गैमेट्स यूज़ कर रहे हैं ऑन दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी अगर गैमेट्स सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले हैं तो आइसोगैमस अगर डिसिमिलर वाले हैं तो एनआइसोगैमस या ओगैमस सम कॉमन एग्जाम्पल्स अगर फाइकोमाइसिटीज का है तो वह म्यूकर है राइजोपस है एंड एल्ब्यूगो तो सिंपली इसको आर एम राम से आप जान सकते हो तो आर फो राइजोपस दैट इज़ द ब्रेड मोल्ट उसके बाद एलब्यूगो दैट इज़ द पैरासाइटिक फनजाई ऑन द मस्टर्ड तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पैरासाइटिक फनजाई ऑन द मस्टर्ड क्या है और चार ऑप्शन में दे दे, दे तो एलब्यूगो ऑप्शन में जाएगा बिकॉज एलब्योगो ही है पैरासाइटिक फनजाई ठीक है ऑन द मस्टर्ड राइज़ोपस हो गया ठीक है और म्यूकर हो गया इसके तीन एग्जाम्पल्स आपका पिक्चर भी सैड दिया हुआ है इसका नहीं तो अलग अलग का सबका दिया हुआ जैसे फर्स्ट वाला पिक्चर है किसका म्यूकर का तो पिक्चर से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा मोस्ट प्रोबेबली लेकिन फिर भी आप देख सकते हो नाउ द एस्कोमाइसिटीज़ एस्कोमाइसिटीज़ जो है सो कॉमनली दे और कॉल्ड एज अ सैक देखो एस्क को एवर्ड है तो इसमें एस ए सी उससे ही आ जा रहा है सैक तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉमनली दे आर कॉल्ड एज ऑफ सैक फनजाई एंड दस्क्रोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर ये कैसे हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं बट एक एक्सेप्शन है इसमें पेनिसिलिन और रेयरली यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट है जिसको सेक्रोमाइसिस भी बोल रहे हैं ठीक है थीक्या? ईस्ट का नाम जो है सेक्रोमाइसिस है ठीक है दे सॉरी स्पोरो नॉट इट्स सेप्रोफाइटिक है डिकम्पोजस होते हैं पैरासाइटिक होते हैं कैप्रोफिलस होते हैं तो सेप्रोफाइटिक है डेड डिकिंग में खाने वाले डिकम्पोजस की तरह पैरासाइटिक भी हो सकते हैं कैप्रोफिलस दैट इज ग्रोइंग ऑन द डंग डंग में ग्रो करने वाले जैसे काउडंग है ये सब में ग्रो करने वाले माइसीलियम इनका कैसा है तो हम माइसीलियम देख लेते हैं तो इनका माइसीलियम ब्रांसड है एंड सेप्टेट है तो सबसे पहले हमने फाइकोमाइसिटीज का देखा था उसका माइसीलियम कैसा था एसेप्टेट था कंटिनुअस वाले सिनोसाइटिक था बट इनका माइसीलियम ब्रांसड हो गया सेप्टेट हो गया ए सेक्शुअल स्पोर्स इसमें क्या है कोनेडिया है उनमें से ए सेक्शुअल स्पोर हमने जूस जूसपोर्स देखा था एप्लानो स्पोर्स देखा था और इस सेकेंड वाले आपका जो एस्कोमाइसिटीज़ है उसमें कोनेडिया आ गया विच इज प्रोड्यूस एग्जोजनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनेडियो फोर्स तो ये एग्जोजनियसली ग्रो कर रहे हैं ठीक है और स्पेशल माइसीलियम जिसका नाम है कोनेडियो फोर अगर आपको सिंपली याद रखना है ना तो आप ऐसे याद रख लेना कि पहले तो ए, पहले याद रख लेना एंडो एक्जो एंडो एक्जो ठीक है अब आपको सीक्वेंस ऐसा अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको पहले तो बुक का पेज भी ध्यान में रखना होगा कि ये पेज ऐसा है, में पेज में सबसे पहले ऐसा ऐसा लाइंस है ठीक है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बोला कि एंडोजिनसली जूस पोर्ट्स बनते हैं स्पोरनजूस स्पोरेंजियम के अंदर ठीक है अब उसके बाद हम लोग पढ़े एस्कोमाइसिटीज़ तो उसमें जो बन रहा है वो एंडो तो आ चुका है अब दूसरा है एग्जो तो एक्जो ही बनेगा तो एग्जोजनियसली स्पेशल माइसीलियम दैट इज कोनेडियो फोर में कोनेडिया का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है अब इसी में तुम्हारा सेक्शुअल स्पोर के बारे में बताया गया तो वो सेक्शुअल स्पोर अब देखो आप जब सिक्वेंस अगर याद रखते हो तो एंडो एक्जो एंडो एक्जो तो पहले एंडो कंप्लीट हो गया किसमें फाइकोमाइसिटीज़ में अब एग्जो में हम एस्कोमाइसिटीज़ में आ गए तो एक्जो में सबसे पहले हमने क्या देखा

आप ऐसे ध्यान रखोगे तो मोस्टली याद ही रहेगा क्योंकि आपको बुक्स का पेजेस आपको ध्यान दिमाग में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है और आपको सीक्वेंस भी पता चल जाएगा कि पहले फाइकोमाइसिटीज़ था फिर एस्कोमाइसिटीज़ था तो फाइको में ऑलरेडी एनजो एक्जो खत्म सॉरी एंडो खत्म हो गया मतलब एंडो एक बार आ चुका है तो दूसरा जब आएगा तो वो एक्जो के बारे में आएगा तो पहले ए सेक्शुअल स्पोर एक्जो आ जाएगा और फिर उसके बाद सेक्शुअल स्पोर आएगा तो एंडो आ जाएगा तो आप ऐसे सीक्वेंस में अगर याद रखो तो मोस्ट प्रॉबली आपको पक्का याद रहेगा मुझे तो ऐसे याद रखता और फिर उसके बाद कोनीडिया जो है दैट जोमिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम कोनेडिया जोमिनेट करके माइसीलियम का प्रोड्यूस मतलब माइसीलियम बनाएगा ठीक है सेक्सुअल स्पोर्स जिसको हम एस्को स्पोर्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे एस्को माइसीटीज है तो उसके सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होंगे एस्को स्पोर्स होंगे दे वर प्रोड्यूस एंडोजिनियसली इन अ लाइक स्ट्रक्चर जिसको एस्काई बोल रहा है तो ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूजिंग होंगे इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि एस्काई जिसको बोल रहा है तो सिंपली जैसे मैंने बताया था कि पहले फाइकोमाइसिटीज़ में जो फाइकोमाइसिटीज़ में हमने एक ही पढ़ा था सिर्फ ए सेक्शुअल स्पोर जूस फोर्स के बारे में पढ़ा था और स्पोर्स के बारे में पढ़ा था जो कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे थे स्पोरेंजियम के अंदर अब हमने जब पढ़ा एस्कोमाइसिटीज़ तो एस्कोमाइसिटीज़ में सबसे पहले ए सेक्शुअल स्पोर आएगा तो ए सेक्शुअल स्पोरिस में कौन सा है कोनेडिया वो कैसे बन रहा है तो वो बन रहा है एक्जोजेनसली किसके अंदर तो कोनेडियोसपोर के अंदर कोनेडियो फोर के अंदर अब उसके बाद हमने सेक्शुअल स्पोर इसमें देखा तो जब सेक्सुअल स्पोर देख रहे हैं तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा है तो उसका नाम है आपका एस्कोस्पोर तो एस्कोस्पोर कैसे बनेगा तो वो एक्सोजेनसली बनेगा क्योंकि ऑलरेडी हम सॉरी नहीं एंडोजेनसली बनेगा क्योंकि एंडो के बाद एग्जो कंप्लीट हुआ एंड एग्जो के बाद अब एंडो आना है तो एंडोजेनसली ये प्रोड्यूस्ड हो जाएगा ठीक है एंड दिस एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल एस्कोस्कार्प तो ये एस्काई अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में रहेगा दैट इज एस्को हो गया एग्जाम्पल्स आप देख लो एसपर है क्लाविस सेप्स है न्यूरोस्पोरा है तो ए पर जीलस है क्लैविप्स न्यूरोस्पोरा और न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स आर एडिबल एंड कंसिडर तो टू बी डिलीशियस बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे मोरल्स और ट्रफ़ल्स हैं ये सारे कैसे होते हैं एडिबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तो ये मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स तो बहुत बार आता है तो मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स आप एक्जैक्टली याद रख लेना कि ये एडिबल्स होते हैं ठीक है मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स ठीक है और न्यूरोस्पोरा ये तुम्हारा न्यूरोस्पोरा को एक वर्ड आएगा कि ये इसको जैसे कि ड्रॉसोफिला पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था कि जेनेटिक वर्क पे तो जैसे न्यूरोस्पोरा भी जेनेटिकली वर्क के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है इसलिए ड्रॉसोफिरा ऑफ द प्लांट किंगडम अगर आपसे पूछा जाए ना तो न्यूरोस्पोरा आ जाएगा क्योंकि ये जेनेटिक जिस तरीके से ड्रोसोफिला को यूज़ किया गया था बहुत सारे जेनेटिक वर्क्स के लिए वैसे न्यूरोस्पोरा को भी यूज़ किया जा रहा है इसलिए ड्रोसोफिला एनिमल है तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो न्यूरोस्पोरा हो जाएगा एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ही पड़ेगा एस्परजिलस है क्लाविसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है ए सी एंड मतलब इसको आप थोड़ा सा अपना ट्रिक्स लगा सकते हो ऐसे मोस्टली आपको ऐसे याद ही रह जाएगा कि एस्परजिलस, जील्स क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा मुझे तो ऐसे ही याद है सो नाउ द बेसीडियो सो बेसिडियो माइसिटीज़ पर आते हैं द थर्ड दैट इज बेसिडियो माइसिटिस विज कॉमनली नोन फॉर्म इज़ द बेसिडियो माइसिटीज और मशरूम्स ब्रैकेट फनजाइज एंड पफ बॉल्स जो कॉमन एग्जाम uh, मतलब कॉमन फॉर्म्स है बेसिडियो माइसिटीज़ के वो है मशरूम्स ब्रैकेट फंजाइज एंड पफ बॉल्स तो वैसे भी आपको देखो बेसिडियोज में मशरूम्स हो गया ब्रैकेट बी से बेसिडियोज ब्रैकेट भी पफ बॉल्स भी ब्रैकेट के अंदर ही so, दे ग्रो इन द शॉयल एंड लॉक्स इन ट्रीज टर्म्स एंड इन द लिविंग बॉडीज एफ पैरासाइट्स देखो ये एक मिल्टी में लॉक्स तुम्हारे लॉक्स का मतलब क्या होता है बड़े बड़े लकड़ियाँ ट्रीज टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं लिविंग प्लांट बॉडीज में एज अ पैरसाइट्स रस्ट एंड स्मर्ट्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल रट्स रस्ट और स्मर्ट्स द माइसीलियम इज ब्रांसड इन सेप्टेट अगर माइसीलियम का भी सीक्वेंस अगर देखोगे तो पहला हमने क्या देखा माइसीलियम आपका माइसीलियम पहला था ए कंडीशन था उस केस में यह था कि सिनोसाइटिक कोई वॉल्स वॉल्स नहीं था सिंपली एक सिंपल सा कंटिनुअस था सेकेंड हमने एस्कोमाइसिट जब देखा तो उसमें ब्रांसड पढ़ा माइसीलियम और ब्रांच के साथ सेप्टेट पढ़ा और जब हम थर्ड पढ़ रहे हैं तो अब माइसीलियम दैट इज बाइसो मतलब बेसिडियो माइसिटीज का जब माइसीलियम हम थर्ड पढ़ रहे हैं तो वो ब्रांसड है और सेप्टेट है मतलब ऐसा अगर आप देखोगे तो पहले ए सेप्टेट आया फिर एस्कोमाइसिटीज़ में सेप्टेट आया और फिर से सेप्टेट सब फिर उसके बाद सेप्टेट ही आएगा मतलब अब वॉल वाले आएंगे तो ऐसे इसमें कोई वैसा ट्रिक नहीं है बस सिंपली आपको ऐसे याद ही रखना है वो ब्रांच कैसे सेप्टेट ही है मतलब एक ही बार ए सेप्टेट आ चुका है दैट इज द एस्कोमाइसिटीज सिटीज बाकी दोनों ब्रांच एनसेप्टेड ब्रांच इनसेप्टेड बट एक ही बार ए सेप्टेट आएगा फर्स्ट वाले में ठीक एस्कोमाइस एस्को सॉरी फाइकोमाइसिटीज में नाउ द ए सेक्शुअल फोर्स आर ए सेक्शुअुअल स्पोर्स कॉमली नॉट फाउंड इसमें ए सेक्शुअल फोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बट वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन तो वेसिड्योमाइसिटीजी का इंपॉर्टेंट फीचर यही ध्यान रख लेना कि इसमें ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स बनते ही नहीं है बट इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन है दक्सुअल स्पोर्ट्सेंट सॉरी सेक्स ऑर्गे एबसेंट है स्पोर्ट्स तो बनता ही है सेक्स ऑर्गन एबसेंट है प्लस ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स भी एबसेंट है मतलब वह यह बनता ही नहीं है बट प्लाज्मोग इज ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जेनोटाइप बट प्लाज्मोगी हो जाता है दो अलग अलग वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स के जो अलग अलग जिनोटाइप और स्ट्रेन्स के होते हैं द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाई तो जिसकी वजह से डाई फेज आता है एंड गिव राइज टू बेसीडियम और उसके बाद बेसीडियम बन जाता है सो कैरियोगी एंड म्योसिस टेक्स प्लेस इन द बेसीडियम और उसके बाद कैरियोगी mm, होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन म्योस स होता है और बेसिडियम के अंदर बहुत सारे बेसिडियोस फोर्स बहुत सारे नहीं चार बेसिडियोस फोर्स बनते हैं ठीक है द बेसिडियोस फोर्स आर एक्जोजिनसली प्रोड्यूस्ड तो यही है अब एक्जोजनिसली आ गया अगर आप मैं सीक्वेंस आपको याद होगा तो एक्जैक्टली exactly आप देख सकते हो इसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं है सबसे पहले हमने फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ा उसमें एंडोजेनस पढ़ा फिर आपके बाद एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ा उसके बाद हमने जस्ट एग्जोजेनस पढ़ा फिर उसके बाद एंडोजेनस पढ़ लिया और जैसे वहाँ पर एग्जो एंडो खत्म हुआ उसके बाद एंडो के बाद एग्जो आना चाहिए था तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आपका एग्जो ही आ रहा है आप देख सकते हो तो आपका इस तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं होगा और याद भी रहेगा हमको जहाँ तक लगता है तो दैट एक्जोजिनेसली प्रोड्यूस्ड होगा इन बेसिडियम्स एंड द बेसिडियाज़ आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज़ कॉल बेसिडियो काप्स तो बेसिडियाज अरेंज हो गया फ्रूटिंग बॉडीज़ में उसको बेसिडियो काप्स बोलेंगे जैसे एस्को आपका जैसे एस्को स्पोर्ट्स बन रहे थे ठीक है तो वो एस्काई में अरेंज थे तो सारे ऐसी एस्काई मिल कर के एस क्या बनाया था एसीडियो काप्स बनाया था क्या बनाया था एक्सीडियो नहीं कि एस्को काप बनाया था सॉरी हाँ तो एस्को काप वेर इज़ द वर्ड आई हैव टू फाइंड इट हाँ एस को काफ़ बनाया था वैसे ही बी सीडियो काब बन गया ठीक है एंड नाउ द बी सीडियो अरेंज सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रीकल्स दैट इज मशरूम एगो एंड द पक्सिन मैंने ना इस फंगई का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका डाला है बायोलॉजी ट्रिक सीरीज में अगर आप उसमें जाकर ट्रिक देखना चाहते हो तो आप ट्रिक देख सकते हो यूजअली ठीक है तो अगर इस पर देखोगे तो इसमें है यूएस पी पक्सीनिया है ठीक है उस पे तो यू, यू से स्टे लागो यूएस से आपको याद उस पे से पक्सनिया उस पर मशरूम ऐसे भी याद रख सकते हो उस पर मशरूम और या तो यूपी का मशरूम कुछ भी उस ऐसे आप याद रख लोगे उस पर मशरूम फेंको टाइप तो आपको याद आ जाएगा उस पे तो यूस्टेलागो स्मर्ट है पक्सीनिया दैट इज पर से पक्सीनिया आ जाएगा वो रस्ट वाला हो जाएगा क्योंकि उस टेलागो स्मर्ट के साथ मिलाना और पक्सीनिया रस्ट के साथ मिलाना बहुत बार पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस यूस्टेलागो स्मर्ट था या तो उस पे याद रखोगे ना तो दैट विल बी यूस्टैगो स्ट स्मर्ट हो गया और पे दैट विल बी पक्सीनिया और पर उस पर याद रख लो ये तो पक्सीनिया से रस्ट आ जाएगा और मशरूम तो अलग है ही आपको याद रह जाएगा नाउ द ड्यूट्रोमाइसिटीज तो कॉमनली नोन एज इन परफेक्ट फनजाई इनको कॉमनली इम परफेक्ट फनजाई कहा जाता है बिकॉज इनके पास सिर्फ ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ही डिस्कवर्ड है अभी तक नोन है वन द सेक्शुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंग वी डिस्कवर्ड जब इनका सेक्शुअल फॉर्म मिल जाएगा तो आदर ये क्लास जो है वो मूव कर जाएगा किसी जो जिससे बिलोंग करता है दैट इट इज़ पॉसिबल दैट ए इसल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बिन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर प्लेसडर डिटोरोटीज़ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक नाम दे करके इसी के अंदर रह जाए एंड द सेक्शुअल स्टेज अनदर और अगर सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगा तो वो फिर अनदर क्लास में डाल दिया जाएगा लेटर वैन द लिंकेज इज़ वेरी स्टेब्लिश जब लिंकेज मिल जाएगा मतलब ये एग्जैक्टली किस सब पता चल जाएगा किसका कौन सा है तो भेज दिया जाएगा द फंगई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूवड आउट द ड्यूट्रोमाइसिटीज़ तो उसके बाद करेंटली आइडेंटिफाई करके उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज से हटा दिया जाएगा और अगर उस फंगई का आपका सेक्शुअल स्पोर्स पता चल जाता है तो वम परफेक्ट द सेक्शुअल स्टेज ऑफ द मेम्बर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वे डिस्कवर्ड वन दे आर मूव टू द एस्कोमाइसिटीज अगर परफेक्टली पता चल जाएगा तो वो या तो एस्कोमाइसिटीज में चला जाएगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज में द ड्यूट्रोमाइसिटीज हैव ओनली ड्यूट्रोमाइसिटिस है तो ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ ए सेक्शुअल स्पोर्स होते तो वो कॉनेडिया है तो कोनेडिया तो ये मत बोल देना क्योंकि एस्को माइसिटीज में क्यों नहीं भेज दिया गया लेकिन जब तक इसका सेक्शुअल स्पोर नहीं पता चल जाता तब तक तो नहीं माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच तो माइसीलियम एक ही बार सेप्टेट आया था बाकी सारे में सेप्टेट सेप्टेट ही और ब्रांच्ड ही आ रहा है सब मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स कुछ मेम्बर सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स होते हैं वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजेस लेकिन लार्जली दे आर कैसे हैं हैंिकम्पोजेस हैं एंड दे हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है दैट दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर्स एंड दे हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग सो फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल आ गया ऑल्टर एरिया कॉलेट्राइकम एंड ट्राइकम

सेप्टेट एंड ब्रांच था सबका सेप्टेट एंड ब्रांच था बस फाइकोमाइसिटिस का सेप्टेट नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक ठीक है माइसीलियम के बारे में उसके बाद हमने देखा था जिस तरीके से मैं इसे याद रखने के लिए आपको समझाई थी कि सबसे पहले एंडो फिर एक्गजो फिर एंडो फिर एक्जो करके आप याद रख सकते हो तो सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसिटिस uh, में एंडो देखे थे एंडो एंडोजेनसली हमने क्या देखा तो उसमें एंडोजेनसली आपका ए स्पोर बन रहा था जैसे कि जूस पोस्ट और अपलानो स्पोर्ट्स बन रहे थे स्पोरेंजियम के अंदर उसके बाद जब एस्को माइसिटीज़ में आए तो वहाँ पे हमने दोनों स्पोर्ट्स देखा कौन कौन सा एक ए सेक्शुअल स्पोर्स भी और सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी तो पहले ए सेक्शुअल स्पोर्ट के बारे में दिया था दैट इज कोनेडिया तो कोनेडिया कैसे फॉर्मड हो रहा था तो एंडो वर्ड पहले आ चुका था तो एक्जो आब आएगा तो एक्जो वो एग्जोजेसली बन रहा था उसके बाद उसमें सेक्शुअल स्पोर्स देख रहे थे तो वो एंडोजेनसली बन रहा था अब एंडो आ गया तो फिर बेिसो माइसिटीज़ जब पड़े तो उसमें एक्जोजेसली आ गया और एक्सोजनसली बेसिओ माइसिटीज़ में आपका यह जान सकते हो कि वहाँ पे सेक्शुअल स्पोर्ट्स बनते ही नहीं है तो वहाँ पर सेक्शुअल स्पोर्ट्स बनते तो सेक्शुअुअल स्पोर्स आपका बन जाएगा कैसे एक्सोजीनियसली बन जाएंगे बैसीडियो बैसीडियो माई में तो हाँ आई थिंक आप सीक्वेंस वैसे याद रख दो मेरे जैसे तो आप, आपको इजिली याद रहेगा बाकी आपका अपना ट्रिक्स होगा तो बेटर है और एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख लेना बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये वीडियो जरूर देख लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना थैंक यू सो मच